Register organization of 80386. 80386 जो कि 32 bit journal purpose registers होते हैं, 32 bits के जो register होंगे वो 32 bits के होंगे, और इसको use किया जाता है as a 8 bit और as a 16 bit और as a 32 bit. 32 bit register जिसे कि extend register भी बोलते हैं. इसे extend register इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये double होते हैं, यानी normally 16 bit के होते हैं लेकिन 80386 इससे double होता है, 32 bit का. 80 जब हमने किया था 80286 तो उसमें 16 bit के register थे लेकिन इसमें 32 bit के होते हैं, double होते हैं, इसलिए extend बोला जाता है. और देखिए जो जिसकी register organization है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसमें 32 bit के journal purpose registers होते हैं, 4 16 bit के segment registers होते हैं और instruction pointer होते हैं. इस topic में हम journal purpose register की बात करेंगे. जैसे कि हम जानते हैं इसमें 32 bit के journal purpose register होते हैं जो कि 8 bit 16 bit register की तरह भी use किए जाते हैं. 32 bit register इन्हें extend register बोलते हैं. extend register क्यों बोलते हैं इन्हें, देखिए ये जो होगा ये 16 bit का होता है लेकिन इसके साथ 16 bit और जुड़ जाते हैं. इसको सिर्फ AX से डिनोट किया लेकिन अगर 16 32 हो जाते हैं तो उसे उसके साथ E लगा दिया जाता है, तो EAX extend register, EDX ये DX register, ECX ये CX register, EBX extend registers हैं जो कि 32 bit के होते हैं. लेकिन हम पहले क्या करते थे कि इसको जो 16 bit के रजिस्टर्स होते थे सिर्फ डिवाइड कर देते थे, लोअर बाइट बोलते थे हायर बाइट बोलते थे, ये चीज एज इट इज रहे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. AX को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 8 bit के 8 bit के बन जाएंगे और 8 bit के बन जाएंगे, तो मतलब ये लोअर बाइट होगी और ये हायर बाइट होगी. इसी तरह से ही इसे डिनोट किया जाता है, सिर्फ ये 32 bit के होते हैं इसीलिए इसे एक्सटेंड रजिस्टर्स बोला जाता है. देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले AX, EAX और DAX जो 32 bit के हैं इनका काम मल्टीप्लीकेशन डिवाइड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए किया जाता है जो कि हम पहले कर चुके हैं. देखिए रजिस्टर का फंक्शन वही रहेंगे, फंक्शन में फर्क नहीं आएगा. नेक्स्ट है CX जो कि आप करते आ रहे हो वही रहेगा. CX डिफॉल्ट काउंटर के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग और लूप इंस्ट्रक्शन के लिए इस रजिस्टर का यूज किया जाता है. ECX नेक्स्ट है. EBX इसका यूज ऑफसेट स्टोरेज के लिए किया जाता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है इसे बेस रजिस्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये 8 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, तो EBP एक्सटेंड रजिस्टर ये दोनों बेस रजिस्टर होंगे. BX और BP ये दोनों बेस रजिस्टर्स होते हैं. ESI, EDI और ESP ये दोनों इंडेक्स रजिस्टर्स होंगे. ESI और DI और ESP ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होगा. ये सारे इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स. देखिए इनका यूज एज अ जर्नल पर्पस रजिस्टर भी किया जाता है, इसलिए इसे 8 रजिस्टर्स होते हैं जो 32 बिट के होते हैं 80386 में. देखिए और जो SI है ये वाला रजिस्टर, ये और ये दोनों इंडेक्स रजिस्टर्स होंगे. इनका यूज ऑफसेट डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है. तो ये है हमारे 80386 के जनरल पर्पस रजिस्टर्स. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.